हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर के। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी पर आधारित सामान्य अध्ययन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो आप लोग मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी विद रतन सर, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए जितने भी प्रश्न हैं प्रमुख महापुरुषों के वचन और नारे पर आधारित प्रश्न होंगे। मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगा क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो इसका आंसर है दोस्तों, मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जगत किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, विनोबा भावे। सारे क्वेश्चन को आप कम से कम 10 या 15 बार बार पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़ने से ये हमारे डायरेक्टली दिमाग में बैठ जाएगा और क्वेश्चन कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मत दो किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? इसका आंसर है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, श्याम लाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन सभी को आप अच्छे प्रकार से नोट्स बनाइएगा। तो देखिए, हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा, बंकिम चंद चटर्जी ने। नेक्स्ट है, जय गणमन या जन गणमन की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब जन गणमन की रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? तो इसका आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने नारा दिया था, वो क्या था? साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगर कहा जाए बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इस बाल गंगाधर तिलक का नारा जो है वो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, जय हिंद किसने कहा था? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था वो है जय हिंद। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान किसने कहा था? इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको आप बार बार पढ़िए, जरूरी नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए, कम से कम 2 या 4 इसको तो आप रिपीट कर ही सकते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए, जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, पहला है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ इसका आंसर होगा ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये हमारा है अनुच्छेद 370, काफ़ी फेमस है अनुच्छेद 370, हमारे जम्मू कश्मीर अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी। क्या बोलते हैं? सी, यस ई ए सी। नेक्स्ट है, पहली बार शरीर के किस अंग का एक्सरे निकाला गया था? इसका आंसर है हाथ। हाथ का जो है पहली बार एक्सरे निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोक नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है
करमा नृत्य। करमा नृत्य छत्तीसगढ़ का काफ़ी फेमस लोक नृत्य है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम, ये हमारा सातवां है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका आंसर जो है लौहपत गामिनी विराम बिंदु कहते हैं, मतलब लौहपत गामिनी विराम बिंदु कहते हैं रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु है जो जिंदगी भर बिना पानी पिए भी जीता है? तो इसका आंसर है कंगारू रैट नामक जीव। कंगारू रैट नामक जीव है जो जीवन भर पानी पिए भी रह सकता है।